सुना तू अपनी बीवी से बहुत झगड़ा करता है, उसे मारता है पीटता है। वैसे ये बात आपको किसने बताई थी सर? तेरी बीवी नहीं पहुंचाई है बेटे। और अगर मर्दानगी दिखाने का इतना शौक है ना, तो जरा मेरे घर के सामने मिल। मर गया। मैं बहुत जल्द अपनी मर्दानगी दिखाने वापस आ रहा हूँ सर। कसम से कह रहा हूँ, अब कैसे वो आगा ना तो अपने पैरों पे खड़े होके ना जाएगा। अच्छा बेटा, टिल्लो खुद गेट पे पहरा देगा। मीट माई हस्बैंड विभू, आई मीन विभूति नारायण मिश्रा। So handsome. Hi. Hi. अनु, मुझे ना बहुत प्यास लगी है, तो एक काम करना, मेरे लिए पानी का ग्लास लेके आएगी प्लीज? हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। आपके हस्बैंड के साथ जो आपकी प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉर्ट आउट हो गई? आई होप एवरीथिंग इज फाइन बिटवीन यू एंड। मुझे मारता है, मुझे पीटता है, मुझे बहुत टॉर्चर करता है। And you know what? How would I know? बता रही हूँ ना मैं आपको। वो रोज रात को जल्दी सो जाता है। Well, एक रात सोने के लिए होती है और शरीफ आदमी टाइम पे सो ही जाता है normally। अफो, माना कि लोग रात को जल्दी सो जाते हैं, लेकिन शादीशुदा लोग कहाँ इतनी जल्दी रात को सोते हैं, हाँ? You know better ना? अरे यार पानी ले आओ यार। हाँ, अभी ये लो। उफ़ अनीता, क्या यार, तू सिर्फ मुझे पानी पिलाएगी क्या? देख नहीं रही है तेरे दोस्त को कितनी भूख लगी है। तो एक काम कर, मेरे लिए जल्दी से कुछ खाने को लेके आ। तब तक मैं माय डियर जीजू से अपने गम बांट लेती हूँ। नहीं, एक काम करो, तुम इनके साथ गम बांटो, मैं खाने का इंतजाम करता। अच्छा बैठ, बातें करते हैं। अच्छा I'm sorry. I'm a baby. I'm all ready. अरे बाबा, चेंज तो करने दो ना यार। यही कर लो ना यार, व्हाट्स रॉन्ग इट। तुम भी ना विभू, बड़े बेशरम हो। भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अप्रसा, मुझे तन तेरा, चमके बरसा दे मुझ पर। ऑलराइट विभू, क्या कह रहे हो? पीनी देखेगी तो क्या कहेगी? क्या कहेगी? हस्बैंड वाइफ रोमांस कर रहे हैं और क्या कहेगी? अच्छा ये बताओ कि क्या विनी उस टाइप की है क्या? किस टाइप की? उताक झाक टाइप्स? अरे नहीं नहीं, विनी बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं है। तो फिर देर क्यों लगा रही हो, आओ ना। पहले तुम भेड़िया बनो। मेरे अंदर का भेड़िया कब से बाहर आने के लिए बेताब है। पास तो आओ, थोड़ा और आ गई, जरा सा और आ गई, स्लाइटली मोर। जगा दूं, लेकिन जैसे ही मैंने तुम दोनों को इस पोजीशन में देखा, मुझे मुझे बहुत घबराहट होने लगी। लेकिन तुम क्यों घबरा रही हो भाई? वो क्या है ना, रोज रात को इस वक्त मेरा विजय के साथ झगड़ा होता है और उस झगड़े की वजह से बहुत डिप्रेशन में आ जाती हूँ। और जब भी किसी को भी मैं रोमांस करते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत घबराहट होती है, मेरा बीपी हाई होने लगता है। तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों झगड़ा करो। What?
हाँ झूठ मूठ का झगड़ा करो, लेकिन झगड़ा करो प्लीज, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी, वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। नाटक है यार, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। अच्छा एक मिनट एक मिनट, तो कर लेते ना झगड़ा, झगड़ा झूठ मूठ का। ओके चलो। विभू तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम अपने आप को क्या समझती हो? मैं अपने आप को इस घर की मालकिन समझती हूँ। मैं भी अपने आप को इस घर का मालिक समझता हूँ। ओ, ये मुंह और मसूर की दाल, घर का मालिक बनने के लिए घर का खर्चा उठाना पड़ता है। और आपके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, आप तो नल्ले हैं नल्ले। ये क्या हरकत है, हम लोग झूठ में झगड़ा कर रहे हैं ना, फिर बीच में ये नल्ला वर्ड क्यों आया? यू नो दैट आई एम वेरी टची अबाउट नल्ला थिंग। अरे तो ठीक है ना, बोल दिया ना झूठ मूठ में बिग डील। तुमने अपनी सहेली को इसलिए बुलाया यहाँ पे कि उसके सामने मुझे जलील कर सको, बेइज्जत कर सको? प्लीज शट अप। आर यू शट अप? गेट लॉस्ट। आई डोंट केयर, आई एम गेटिंग लॉस्ट। दिस इज रिडिकुलस। एक्सक्यूज मी। अनु, वाओ, तुम दोनों का ये झूठ मूठ का झगड़ा बिल्कुल सचमुच का झगड़ा लग रहा था। ये सचमुच का ही झगड़ा था। अब चल सो जा यहाँ पर। Need some fresh air। दम उड़ता है मेरा इस औरत के साथ। अपनी फ्रेंड के सामने मेरी दो कौड़ी की इज्जत कर दी इस औरत ने, कहीं का नहीं छोड़ा है। जीजू, आप सोए नहीं अभी तक? नहीं बस सोने की तैयारी में हूँ। तुम तो ऊपर सो रही थी ना अनु के साथ बेडरूम में। क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, आपको बहुत मिस कर रही थी। है? मेरा मतलब मैं अपने हस्बैंड को बहुत मिस कर रही थी। तो चले जाओ उसके पास, कोई तुम्हें मिस कर रहा होगा आई एम श्योर। गो। क्या करूँ उसके पास जाकर मैं, जब भी मैं उसे अपने सुख दुख की बात करती हूँ तो उसके अंदर का पति सो जाता है और मैं बेचारी बिस्तर पर अकेली तड़पती रहती हूँ जैसे जलबिन मछली, और वो खराटे मारना शुरू हो जाता है। एक बार पता है क्या हुआ, भाई साहब कौन है? भाई साहब आप, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। वैसे भाई साहब आप घर का अंदर छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सेठ जी ने मुझे आपके डर से ना पैरे पे लगा दिया था। ओ तो आप हमें रोकेंगे भाई साहब? राम राम राम, ये लीजिए भाई साहब। वाह 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 वाह, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। रुकिए भाई साहब, इधर तो सेठ जी ने कुंडी लगा रखी होगी, आप ना इधर वाले दरवाजे से अंदर घुस जाओ। सेठ जी, ये हम जैसे गरीबों की हाय लगी है, भगवान तो ये हम गरीबों का। क्या कमाल का शस्त्र दिया है भाई साहब, वाह 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 वाह, लीजिए। बहुत अच्छा, अब इजाजत दीजिए। जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, भगवान आपका भला करे। अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई, अरे गड़बड़ हो गई, अरे सेठ। क्या हुआ सेठ जी? अरे क्या हुआ बताओ तो। अरे अरे हुआ क्या सेठ जी, क्या हो गया? ये मैं क्या देख रहा हूं बे? नहीं नहीं
ये सपना नहीं है बल्कि हकीकत है। ये भभूति जी किस महिला को गोद में सुलाए बैठे हैं? ओह, मतलब भभूति जी अपने ही घर में कोई खेल खेल रहे हैं। लेकिन भाभी जी कहाँ है? जरा देखें तो कहाँ है? अरे मर गया। भाभी जी यहाँ चैन की नींद सो रही हैं और भभूति जी पता नहीं वहां किसे गोद में सुलाए पड़े हैं। भाभी जी, भाभी जी, तिवारी जी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर रूम में? क्या बताएं भाभी जी, दरअसल हम आपको ये बताने आए हैं कि आपकी जो सहेली का पति है ना, वो फिर आया था। लेकिन विनी कहाँ है? कौन विनी? अरे विनी मेरी सहेली। वो आपकी सहेली है भाभी जी? हाँ, वो मेरी सहेली है। हमें पता है भाभी जी वो कहाँ है और किस हाल में है। किस हाल में मतलब? आइए भाभी जी, आइए। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? आइए ना भाभी जी, एक सुंदर दृश्य के दर्शन कराते हैं। आइए आइए आइए। हाँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ ले जा रहे हैं। आइए तो आपको दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए भाभी जी, आप ही के घर में आप ही की नाक के नीचे भभूति जी क्या रायता फैला रहे हैं, जरा देखिए भाभी जी, देखिए। एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट। जी जी। बिबो, बिबो, बिबो। या बेबी, व्हाट्स अप? विनी, तुम मेरे साथ बेडरूम में सो रही थी ना, फिर तुम यहाँ नीचे कैसे आ गई? भाभी सवाल पूरा कीजिए ना, भभूति जी की गोदी में कैसे आ गई? मैं तो यहाँ पे गहरी नींद में सो रहा था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं ये कहाँ से आके गिरी मेरी गोद में। I have absolutely no idea, I swear to God. मैंने क्या किया यार? विनी, अब तुम रो क्यों रही हो? सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है। अरे क्या गलती है तुम्हारी? क्या बताऊं तुम्हें, वो क्या है ना, रोज रात को मुझे विजय के सीने पर सर रखकर सोने की आदत है। तो तुम्हारे कमरे से निकलकर मैं सीधा यहाँ पर आ गई, तो यहाँ देखा जीजू सोफे पर सो रहे थे और उनका सीना No, मैंने ये टी-शर्ट पहन रखी थी। No, ये तो वही बात हो गई कि छत पे सोया था बहनोई, मैं पिया समझ संग सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। What a joke. कर रही विनीता? विनीता नहीं, अनीता। तुम्हारी सहेली क्या बेतुकी हरकतें करती है, कभी कभी वो अपना ये घुटना के सो जाती है और कभी यू नो कभी वो गले मिल जाती है। शी इज नॉट सी, पागल लड़की है वो। अरे कुछ नहीं है उसके दिल में, उसका नेचर ही ऐसा है। ये नेचर ना मुझे बहुत भारी पड़ रहा है, आई एम नॉट कंफर्टेबल। और जो तुम शक करने लगोगे मुझे तब? शक की बातें कर रहे हो, मैं कोई शक वक नहीं कर रही हूँ तुम पे। मैंने तो एक्चुअली आज रात रोमांस का एक जबरदस्त प्लान बनाया। जी, आपकी सहेली हमें रोमांस करने देगी तब ना? अरे उसे कुछ नहीं पता चलेगा, हम ना लाइट्स बंद कर देंगे बेडरूम की,
मतलब अपने घर में चोरों की तरह रोमांस करें हम लोग अपने घर में? रात में रोमांस का मजा ही कुछ और होता है। पत्ती बुझा के क्या हो गया है? तुम भी ना, चलो मैं खाना लाता हूँ। अनु बेबी आ जाओ ना यार, जब अंधेरे में रोमांस करना है तो इतना सज्जा से भरना क्यों, दिखाई तो कुछ देगा नहीं। बाहों में चले आ, हम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। क्या बात है, एकदम परीलोक की परी लग रही हो। अभी मुकुट लगा लूं क्या? ये सब बातें छोड़ो और लाइट ऑफ करो। ये क्या वाहियात आइडिया है यार लाइट ऑफ करने का, इतनी हसीन लग रही हो तुम, और कह रही हो लाइट ऑफ कर दे। लाइट ऑफ करने के बाद मजा ही कुछ और है। अब ढूंढो मुझे। अरे यार क्या ढूंढो, कहाँ हो तुम यार? ओफो, फोन को भी इसी वक्त आना था। लाइट ऑन कर दो। नहीं नहीं नहीं, लाइट ऑन करोगे तो इतना अच्छा मूड बना हुआ है, मूड सारा खराब हो जाएगा। मैं एक मिनट में। वेटिंग। बड़ी जल्दी आ गई। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है अंधेरे में यार, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल यार। सॉरी, मुझे ना गहरी नींद में चलने की बहुत बुरी बीमारी है। आई स्वेयर मुझे नहीं पता था कि मैं इस बेडरूम में कैसे आ गई। मुझे लगा कि ये मेरा बेडरूम है और ये मेरे हस्बैंड। ठीक है इट्स ओके, तुम जाओ यहां से। गुड नाइट जीजू। गुड नाइट। गुड नाइट अनु। गुड नाइट। गुड नाइट। देख रही हो अपनी सहेली के लक्षण, अंधेरे का फायदा उठा के एंजॉय कर गई। तुम्हें ज्यादा हाथ पांव तो नहीं लगाया उसे? आप मुझे क्या पता कि तुम हो या वो है यार, आई मीन आई थॉट कि तुम हो तो थोड़ा सा बेतकल्लुफ हो गया। व्हाट? देखो डोंट से क्या है, ये तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है। उसे मैंने मना किया था कि प्लीज दूसरे के फटे में पैर मत अड़ा, लेकिन आप सुनती कहा हमारी, और आपने फरमान जारी कर दिया कि मैं उसके साथ कोऑपरेट करूं। सो हमने कोऑपरेट कर दिया। ठीक है ना बाबा, मान ली गलती, मैं उसको सहारा देने जा रही थी और वो मुझे बेसहारा करने पे तुली। अच्छा हो तुम टाइम पर आ गई, वरना कोऑपरेट कॉम्प्रोमाइज बदल गया होता। किसी तरह उसके हस्बैंड से इसका पैचअप कराओ और दफा करो इसको। ये कैसी बातें कर रही हैं अनीता जी, मैं तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही हूँ। हाँ थोड़ा वेट पुट ऑन किया बस। क्या बात कर रहे यार, ये तो कह रही थी कि आप शराब पीते हैं, इसे टॉर्चर करते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, मैं और शराब, मैं तो शराब को हाथ भी नहीं लगाता, उल्टा जब दफ्तर से शाम को घर पे आता हूँ तो ये मुझे जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश करती है। अरे विनी, ये जो कह रहे हैं सच है? हाँ, लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला फिर? अनु क्या करती, मैं बोर हो गई हूँ मैं इस आदमी से, जब देखो काम काम काम। भाई साहब ऐसा क्यों करते हो यार, बीवी को सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए, बाद में नौकरी और छोकरी चाकरी। बीवी भटक जाती है ऐसे, बल्कि तुम्हारी बीवी भटक गई है। भटक रही मतलब? तुम्हारी बीवी मुझ में तुम्हें ढूंढ रही है, टूट टूट के ढूंढ रही है,
डेस्परेट होकर ढूंढ रही है। पिनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए किसी पराए मर्द को छूने की? हाँ, मैं सिर्फ तुम्हें टाइम नहीं दे पाया और तुमने ये सब शुरू कर दिया। तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। I love you, Vinny, I love you. I love you, I love you, I love you, I love you. तुम्हें पता है ये सब सुनने के लिए ही तो मैंने ये सब ड्रामा किया था। ओह, अब मुझे सारी बात समझ में आई कि विनी ने ऐसा क्यों किया था। नहीं, तुम मेरे साथ चलो। झगड़ा तो नहीं कर रहे फिर से? मारने पीटने की आवाज तो नहीं आ रही है। क्या कर रहे हैं? जो कर रहे हैं उसमें आवाज नहीं आ रही। आई डोंट नो क्या कर रहे हैं। थैंक यू नीता जी, थैंक यू भाई साहब। अगर आप दोनों नहीं होते तो हम दोनों एक नहीं होते। अब जल्दी चलो, पहली फ्लाइट से गोवा जाना है। थैंक यू, बाय बाय जीजू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू, बाय बाय बाय। भाई साहब, मैं अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ और आइंदा मेरी बीवी को भड़काने की कोशिश की ना। भाभी जी, वो तो बस आपका लिहाज कर गए, वरना वो तो दिख रहा है।